रौनक है। सो गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ईसी आधार कार्ड आप किस तरीके से पा सकते हैं विदाउट किसी आधार सेंटर पे जाके। आप खुद घर बैठे ये काम कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से। एज वेल एज अगर आपके आधार कार्ड के साथ फोन नंबर अटैच नहीं है तो भी आप ये पीवीसी जो कार्ड है, जो एटीएम कार्ड की तरह जो आधार कार्ड है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सो किस तरीके से करेंगे बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक और फिर से स्वागत करता हूँ आपको टेन डिटेल यूट्यूब चैनल पे। सो वैसे डॉट एस्टर टाइम लेट स्टार्ट दिस वीडियो विद लॉट्स ऑफ फन। सो माई डियर फ्रेंड्स, इसको करने के लिए आपको ये वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है UIDAI का। एंड इस वेबसाइट पे आने के बाद इधर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। तो मैं जूम कर देता हूँ तो गेट आधार पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, तो इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जब भी आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाएंगे। इधर दिखा है, इधर एक लिखा है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, डिलीवरी ऑफ आधार पीवीसी कार्ड थ्रू स्पीड पोस्ट मे बी डिले एज पर गाइडलाइन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो अगर आप अप्लाई करते हैं आज या कल अप्लाई करते हैं तो स्पीड पोस्ट से आपके आपके स्पीड पोस्ट से वो जो आधार कार्ड है पीवीसी यानी कि प्लास्टिक आधार कार्ड जो है वो आने में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आएंगे। तो प्रोसीड्योर क्या है, अगर आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं आधार कार्ड के लिए या पीवीसी आधार कार्ड के लिए, जो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इस तरीके से आधार कार्ड देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो आपको इधर आधार नंबर, आपके आधार नंबर देना पड़ेगा या वर्चुअल आईडी देना पड़ेगा या ई आईडी देना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार नंबर है सो मैं आपको बोलूँगा कि आधार नंबर से आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इधर आपको आपके आधार नंबर देना पड़ेगा, उस इधर जो कोड है वो उसको मैं इधर टाइप करूँगा। तो कोड क्या है, चलिए अगर आपको कोड समझ में नहीं आ रहा है सो इधर जो रिफ्रेश का बटन है इसमें क्लिक करके आप उसको रिफ्रेश करके नया कोड जो है उसको मांग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर देख देख सकते हैं एक बॉक्स है, माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप ये बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सो जब भी आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कि इंटरफेस आपके सामने जनरेट हो जाएंगे। एंड इधर आप देख सकते हैं कि मेंशन नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो जो नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उधर आप आपके कोई भी एक मोबाइल नंबर इधर दे देना। देने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। अगर आपके मोबाइल नंबर है तो इधर आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं कि एंटर योर ओटीपी, तो चलिए मैं देखता हूँ ओटीपी आया है कि नहीं आया है। आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो जब भी आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इधर आपके जो आधार डिटेल्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मेल एंड आपकी जो एड्रेस है सब इधर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड आपका जो आधार कार्ड होगा वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इधर मेक ए पेमेंट करना पड़ेगा। तो इधर आपको मेक पेमेंट करना पड़ेगा, तो देख सकते हैं कि चूज ए पेमेंट ऑप्शन, टोटल पेमेंट अमाउंट 50 रुपीज। सो 50 रुपीज आपके लगेंगे एंड इस 50 रुपीज आप घर बैठे आपके नेट बैंकिंग के साथ आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं पेड करूंगा 50 रुपीज। नेट बैंकिंग यूपीआई या क्रेडिट या डेबिट कार्ड के साथ आप कर सकते हैं, तो मैं इधर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड करूंगा। तो इधर मेरा कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीसीवी कोड यानी कि पीछे के जो डिजिट है वो
एंड इधर जो कार्ड नेम ओनर है, एंड उसके बाद मैं प्रोसीड करूंगा। तो ये प्राइवेट डिटेल्स है, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ पेमेंट होने के बाद ही दिखाऊंगा कि पेमेंट हो गया है। सो गाइस, इस तरीके से आप पीवीसी कार्ड के लिए अपने घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सुमन नेक्स्ट वीडियो।